किसने बोल दिया आपको सफलता नहीं मिलेगी? अरे भाई मिलेगी, इतना मिलेगी जितना सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। क्रेडिट ऑफ दिस लाइन गोज टू वन ऑफ माय फेवरेट इंस्पिरेशन सर संदीप महेश्वरी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं डिस्टिन। दोस्तों आज यहाँ पर हम एक ऐसे एंटरप्रेन्योर ओआर पटेल जी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आज तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कभी इनका सपना हुआ करता था पायलट बनने का। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण इनको अपना सपना दबाना पड़ा और फिर ये शिक्षक के रूप में अपनी नौकरी करते हैं। और फिर काफी ज्यादा हार नहीं मानने के बाद कुछ अलग करने की चाह में आज ये सिर्फ भारत की नहीं पूरी दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वॉल क्लॉक है इनकी कंपनी अजंता के नाम से। तो आज इनकी कंपनी के बारे में हम पूरा केस स्टडी, इनका जो सक्सेस स्टोरी है और इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रही है और इनका पूरा लाइफ जर्नी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको काफी ज्यादा इंसाइटफुल और इन्फॉर्मेटिव लेसन मिलेंगे इसके अंदर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अजंता की शुरुआत उदावजी राघोजी पटेल जी से होती है जिन्हें फादर ऑफ वॉल क्लॉक्स भी कहा जाता है। हालांकि इनका जन्म गुजरात के एक छोटे से परिवार के अंदर होता है, लेकिन इनका सपना बचपन से बड़ा था। इनका सपना बचपन से था पायलट बनने का और इसीलिए उन्होंने अपनी बेसिक स्टडीज कंप्लीट करने के बाद ये बीएससी करते हैं और वहां पर इनका सपना पूरा होने का टाइम आ जाता है। लेकिन इनकी फैमिली जो थी काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव और काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीके से चल रही थी और इसीलिए इनका सपोर्ट नहीं मिल पाया ताकि वो अपना सपना पूरा कर सकें और इनको अपना सपना बीच में ही छोड़ना पड़ गया। हालांकि फिर इन्होंने उससे कॉम्प्रोमाइज़ किया और ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और टीचिंग प्रोफेशन को चुना। और जहाँ पर ये रहते थे मोरबी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पर उन्होंने एक VCI स्कूल को ज्वाइन किया जहाँ पर ये बच्चों को साइंस पढ़ा सकें। फिर इनकी शादी हो गई धीरे धीरे और टीचिंग प्रोफेशन के अंदर ही इन्होंने अपनी ज़िंदगी के सुनहरे 27 साल गुजार दिए थे। समय बीतता गया, फिर इनको रियलाइज हुआ इनके पास जो रिसोर्सेस है, इनकम के रिसोर्सेस, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है जिससे इनका बच्चे को पढ़ाई, क्योंकि इनके पास जो बच्चे थे वो 6 बच्चे थे, तो इनका जो पूरा पालन पोषण करना, अपना ज़िंदगी आगे बढ़ाना, ये सब काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो गया था इनको आय को लेकर के, इनकम को लेकर के। और दूसरी तरफ इनको ये भी डर था कि मैं ठहरा एक साइंस टीचर, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी फार्मर का है, तो मैं अपना क्या ही कुछ अकेला कर सकता हूँ। तो फिर इन्होंने स्टार्ट किया लोगों के साथ इंटरेक्शन करना। काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन करने के बाद इनको पता चला कि मार्केट में जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्लॉक का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात हो रही है। फिर इन्होंने बिना देर किए इस इंडस्ट्री को पूरा एनालाइज करना शुरू किया और इन्होंने जल्द ही 3 पार्टनर्स जुटाए, सबसे कुछ कुछ पैसा इकट्ठा किया और मिला जुला के 1 लाख रुपये हो गए। और फिर उन्होंने अपने उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपने गाँव के अंदर एक छोटा सा रेंटेड हाउस लिया और साल 1971 में अपना क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। और सबसे पहले कंपनी का नाम पड़ा था अजंता ट्रांजिस्टर क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। शुरुआत में इनके 4 पार्टनर्स थे, चारों पार्टनर से मिलकर शुरुआत में फोकस किया मैकेनिकल क्लॉक्स बनाने का। लेकिन इनको इनका जो बिजनेस इन्होंने सेटअप किया था वो से पूरा एनालाइजेशन के ऊपर था, मतलब चारों में से किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस इंडस्ट्री के अंदर। और इसीलिए शुरुआती के 2-3 साल में इनको बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा फेलियर मिली और पूरा लॉस में गया बिजनेस। फिर भैया तीनों जो पार्टनर्स हैं उन्होंने हाथ निकाल लिया अपना और बोला कि भैया हमसे अब और जो सर्वाइव है इस बिजनेस के अंदर तो नहीं हो पाएगा। फिर जो पूरा जवाब नहीं आ गया था सिर्फ ओ आर पटेल जी के कंधे पे आ चुका था। फिर ओ आर पटेल जी ने ये रियलाइज किया कि हमने जो मैकेनिकल क्लॉक्स मार्केट में लॉन्च किए थे उसका तो कोई डिमांड ही नहीं है। फिर उन्होंने साल 1974 में 3 और तरह के क्लॉक्स इंट्रोड्यूस किए, वाइंडिंग क्लॉक्स, म्यूजिकल क्लॉक्स और की क्लॉक्स। फिर मार्केट में इसका थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, लेकिन एक बहुत बड़ी जो सफलता होती है जो कि मार्केट को हिला कर रख दे, वैसा वाला इनको कुछ समझ में ही नहीं आया। क्योंकि उस समय के हिसाब से इनमें जो क्लॉक्स होती है, जो इन्होंने तीनों क्लॉक्स लॉन्च किए थे उसमें एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट बोले तो स्टील स्ट्राइप्स का यूज होता था, जिसको इनको जापान से इंपोर्ट करवाना पड़ता था इनको पूरा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो ये सब भी काफ़ी ज़्यादा पेचीदा प्रोसेस था। दूसरी तरफ इनके जो बड़े बेटे थे प्रवीण, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे थे और धीरे धीरे इनका बिजनेस में हाथ बढ़ने लग गए थे। फिर साल 1975 में दोनों बाप बेटे बोले तो ओआर पटेल जी ने और प्रवीण पटेल जो कि इनके बड़े बेटे थे, दोनों ने जापान और ताइवान को काफ़ी ज़्यादा एनालाइज किया, उनके क्लॉक मार्केट को काफ़ी ज़्यादा पढ़ा, देखा कि वहाँ क्या नई टेक्नोलॉजी चल रही है। और जब जब वापस इंडिया आए तो एक नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के साथ आए जिसका नाम था क्वार्टस टेक्नोलॉजी। क्वार्टस टेक्नोलॉजी आप सभी को पता होगा कि आज अजंता की जो भी घड़ी आती है, वॉल क्लॉक्स आती हैं, अजंता क्वार्टस के नाम से काफ़ी ज़्यादा उनकी घड़ियाँ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और उस समय के हिसाब से ये इंडिया की पहली कंपनी थी जिन्होंने क्वार्टस टेक्नोलॉजी से अपना जो क्लॉक है वो बनाया था। और फिर इन्होंने अपना पहला घड़ी लॉन्च किया क्वार्टस के अंदर जनता के नाम से। और क्वार्टर टेक्नोलॉजी इन्होंने इसलिए चुना क्योंकि क्वार्टर के जो क्लॉक आते थे वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल, स्मॉल और सबसे ज़्यादा इनका जो मेंटेनिंग का रिक्वायरमेंट था वो काफ़ी कम था। और इसीलिए क्वार्टर्स के जो क्लॉक थे, अजंता का क्वार्टर, देखते देखते मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फैलने लग गई और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। फिर उन्होंने सोचा हमारी पहली सफलता तो हाथ लग गई, अब क्यों ना बिजनेस को एक्सपैंड किया जाए। लेकिन यहाँ इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आने लग गई इनके फैक्ट्रीज वर्कर्स के ऊपर, क्योंकि उस समय के हिसाब से हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी कम लोग थे जो कि फैक्ट्री के अंदर काम करें, ज़्यादातर लोग
खेती और गृहस्थी के ऊपर ही डिपेंड रहते थे। फिर उन्होंने उसको शिफ्ट किया और क्यों ना सोचा कि अपने वुमेन को एम्प्लॉय करें भारत के अंदर जो भी वुमेन्स हैं। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर उस समय के हिसाब से बात करें तो कोई वुमेन अगर फैक्ट्री के अंदर काम कर रही है तो वो काफी बड़ी बात थी। तो फिर उन्होंने सबसे पहले ओआर पटेल की जो बड़े बेटे थे प्रवीण जी, उन्होंने सबसे पहले अपनी जो पत्नी है वनिता बहन को इंडल्स किया अपनी कंपनी के अंदर, और धीरे धीरे वनिता बहन ही सारे औरतों को सारी महिलाओं को इन्फ्लुएंस करती चली गई और अपने साथ जोड़ती चली गई, और ताकि ताकि जो सारे वुमेन है हमारे भारत की वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके, और साथ साथ वो अपने वुमेन एम्प्लॉय को काफी एडिशनल बेनिफिट्स दे रहे थे, जैसे कि हेल्थ कवर हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, और उनके जो होम एसेंशियल्स के जो प्रोडक्ट्स है वो भी उनको अवेलेबल करवाया जाए मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे, और रेगुलर ड्यूटीज तो उनको मिल ही रही है। साथ ही साथ बस का ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया, और बस के जो उसमें ड्राइवर्स थे वो काफी ज्यादा महिलाएं ही थी। और अभी रिसेंटली कंपनी का कहना है कि इनके टोटल 5600 एम्प्लॉयज में से 5000 एम्प्लॉयज वुमेन ही है। फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हो या फिर मैनेजमेंट देख रहे हो, बोले तो 96% एम्प्लॉयज इनके वुमेन ही है। और अब तक इस पूरे कंपनी का नाम इन्होंने बदल कर अजंता ग्रुप कर दिया, और फिर देखते ही देखते इन्होंने अपने बिजनेस को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी, और साल 1996 में इन्होंने कैलकुलेटर और टेलीफोन्स की इंडस्ट्री में एंट्री मारा और अपना नया ब्रांड इंट्रोड्यूस किया ऑर्पिट के नाम से। और फिर देखते ही देखते ऑर्पिट का जो कैलकुलेटर था वो भी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया इंडिया के अंदर। और फिर इन्होंने ऑर्पिट को और अजंता ग्रुप को दोनों को मर्ज किया, और फिर इसका नाम पड़ गया अजंता ऑर्पिट ग्रुप। अब तक इंडिया में इनका जो टाइम क्लॉक था वो 70% मार्केट शेयर कैटर कर रहा था। वहीं बात करें इनका ऑर्बिट कैलकुलेटर की तो वो भी कहीं ना कहीं 70 से 75% मार्केट शेयर कैटर कर ही रही थी। फिर आ गया इनका टेलीफोन्स जो कि इन्होंने ऑर्बिट का ही लाया था, वो भी कहीं ना कहीं 30 से 40% कंट्रीब्यूट कर ही रही थी। फिर चाइना का नजर पड़ता है इंडिया के ऊपर, और उन्होंने सोचा कि इस मार्केट को हम खराब कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी से, और चाइना का स्ट्रेटेजी आप सभी को पता है पंप एंड डंप वाला स्ट्रेटेजी। फिर इन दोनों बाप बेटे को ओ आर पटेल जी को और प्रवीण पटेल जी को, इन दोनों पे डर तो थोड़ा लगता है लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और इन्होंने अपने बिजनेस को और ज्यादा डाइवर्सिफाई किया और कंज्यूमर मार्केट के अंदर इन्होंने एंट्री मारी, और वहां पे इन्होंने होम अप्लायंसेस को इंट्रोड्यूस किया, जैसे स्टीम आयरन हो गया, फैन हो गए, स्विच बोर्डेड हो गए, इमरजेंसी लाइट्स को इंट्रोड्यूस किया। और इतना ही नहीं, साल 2003 में उन्होंने FMCG सेक्टर के अंदर भी एंट्री मार दी, और उसके अंदर इन्होंने अजंता का टूथब्रश, अजंता का टूथपेस्ट भी लॉन्च किया, और तो और ऑर्पिट का एक CFL लैब भी लॉन्च किया गया जो कि देखते देखते इंडियन मार्केट के अंदर 50% से ज्यादा मार्केट से उसके बाद भी आ चुका था। और फिर ये इतने में कहाँ रुकने वाले थे, तो इन्होंने अपना एक और ब्रांड इंट्रोड्यूस किया ओरिवा के नाम से, जहाँ पे CFL का बल्ब, ट्यूबलाइट और तो और विट्रीफाइड टाइल्स को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और देखा जाए तो इनका CFL उस टाइम के हिसाब से काफी बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी शेयर्स के मामले में, और उस समय इनका जो प्रोडक्शन हो रहा था CFL बल्ब का वो 2 लाख यूनिट्स पर डे के हिसाब से हो रहा था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि उस समय चाइना एंट्री मारने वाली थी लेकिन चाइना डोमिनेंस नहीं कर पाई, और देखते ही देखते इन्होंने अपना पूरे बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया वो किस स्ट्रेटेजी के साथ किया, जिसके बाद एक के बाद इन्होंने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए वो मार्केट में हिट ही करती गई। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। सबसे पहले इनका स्ट्रेटेजी है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अब चूंकि ये जो पूरी पटेल फैमिली थी वो इंडिया से ही बिलोंग करती थी और काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ भी थी, तो इन्होंने जब भी सोचा तो मासेस के ऊपर ही सोचा। इन्होंने शुरुआत से ही मासेस को टारगेट करना शुरू किया था, और मासेस को टारगेट करना है तो आपको तो प्राइसिंग पे खेलना ही होगा, और इसीलिए इन्होंने जो भी अपने प्रोडक्ट्स लाए वो अपने कॉम्पिटिटर से कम ही रेट पे बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इनका टूथपेस्ट। अजंता का जो टूथपेस्ट आता था वो सिर्फ 200 ग्राम का 18 रुपये रेट था, वहीं बात करें कोलगेट के वाले टूथपेस्ट की तो उसका 200 ग्राम का 54 रुपये रेट था, तो आप समझ सकते हो सीधा तिगुना, मतलब तिगुना इन्होंने कम कर दिया था अपना 200 ग्राम टूथपेस्ट का रेट। तो इस हिसाब से ये अपना जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डोमिनेट कर रहे थे इंडियन मार्केट में। दूसरा था इनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब चूंकि इंडिया में काफी तगड़ी पहले से बन रही थी लेकिन कोई भी कंपनी इनोवेशन के साथ काम नहीं कर रही थी, और इन्होंने जापान और ताइवान से वो जो कॉन्सेप्ट लाया था क्वार्टर टेक्नोलॉजी का, सबसे पहले इंडिया के अंदर लाने वाले यही थे, तो इनको इससे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। क्वार्टर टेक्नोलॉजी मैंने पीछे बता दिया काफी ज्यादा सिंपल और टिकाऊ भी थी, तो इसलिए प्राइस डोमिनेशन उन्होंने वहां भी किया और फर्स्ट मूवर का फायदा उठा करके इन्होंने मार्केट डोमिनेट किया। तीसरा जो इनका स्ट्रैटेजी था दोस्तों वो था स्वदेशी स्ट्रैटेजी। अब चूंकि अजंता जो है इंडिया का अपना ब्रांड था तो लोग काफी ज्यादा कनेक्ट भी हो पा रहे थे, और काफी ज्यादा वो लोगों को समझा भी पा रहे थे कि इंडिया का हाँ अपना ब्रांड है, और काफी ज्यादा वो मार्केट में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट से और अपनी सर्विसेज से। अब चूंकि उस समय के हिसाब से देखा जाए तो एक और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। यूनिलीवर एक कंपनी है कहीं और की, और हिंदुस्तान में जब उन्होंने एंट्री मारा तो हिंदुस्तान यूनिलीवर किया ताकि स्वदेशी वाला स्ट्रेटेजी वो भी अपना सके, तो इनका तो भैया अपना मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट तो था ही, तो चाइना के अंदर वो लोग कैसे ही जाते हैं, और इंडिया के अंदर इन्होंने वुमेन को भी काफी ज्यादा एम्पावर किया था शुरुआत से ही, तो उस हिसाब से भी लोग जो है इमोशनली काफी ज्यादा कनेक्ट थे अजंता ब्रांड से।
और देखा जाए तो जब वो लोग, आप भी देखोगे कभी अगर आप मार्केट में जाओ कोई भी क्लॉक स्टोर में क्लॉक लेने जाओ, तो वहां पे आप ये नहीं बोलोगे क्लॉक लो भैया मुझे एक अजंता का क्वार्टर देना या फिर अजंता का एक क्लॉक दिखाना। तो इस हिसाब से ये स्वदेशी वाला स्ट्रेटेजी था, काफी ज्यादा लोगों के सब कॉन्शियस माइंड में इन्होंने बैठा कर रखा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि चाइना ने इस मार्केट में एंट्री नहीं मारी, उस समय के हिसाब से अजंता क्लॉक खुद बोलते हैं कि वो 40% ऑफ कंपोनेंट्स जिनके थे वो चाइना से इम्पोर्ट करते थे। हालांकि आज की बात करें 10 साल के बाद, तो आज इनके पास मात्र ये बिलो 5% ही कंपोनेंट जो है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं और ये पूरा मेड इन इंडिया ही प्रोडक्ट आज बना रहे हैं। चौथा इनका स्ट्रेटजी है इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लेकर के। आज के हिसाब से बात करें तो इनका जो अक्रॉस द इंडिया पूरा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है इनके वो 500 से भी ज्यादा है। वहीं बात करें अक्रॉस द ग्लोब की तो 50,000 से भी ज्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स बने हुए हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर्स से काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं अपनी कंपनी के साथ, मतलब ट्रस्ट फैक्टर से काफी ज्यादा बना करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण था दोस्तों कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो काफी ज्यादा लिंकअप रखते हैं स्टोर से, क्लॉक के स्टोर से, और क्लॉक का स्टोर लिंकअप रखते हैं डायरेक्ट कंज्यूमर से। तो देखा जाए तो कंज्यूमर कैसा डिमांड कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, क्या उनके टेस्ट है, क्या उनके प्रेफरेंसेस है, क्या समय के साथ बदलता जा रहा है, क्या वो कंप्लेन कर रहे हैं, क्या रिव्यूज दे रहे हैं इनके प्रोडक्ट के बारे में, इनकी कंपनी के बारे में, मतलब पूरा अपडेट रखने के लिए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का ही सहारा लेते हैं। और अजंता ग्रुप का तो यहाँ तक कहना है कि इनके जो भी कंज्यूमर है सप्ताह में एक दिन वो सिर्फ उनके कंप्लेंट्स और रिव्यूज ही देखते हैं, ताकि वो समय के हिसाब से खुद को अपग्रेड कर सकें और कस्टमर की क्या क्या नई नई प्रेफरेंसेस आ रही है, क्या उनको चाहिए, क्या कुछ नया चाहिए उनको मार्केट के अंदर, वो उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट की प्रोवाइडिंग कर सकें। और इन्हीं सब स्ट्रेटजीज के कारण ही ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे अक्रॉस द ग्लोब में बोले तो 45 डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इनका जो क्लॉक को लेकर एक काफी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। वहीं बात करें इसकी मार्केट शेयर की तो अजंता का जो क्लॉक है मार्केट शेयर इनका 96% से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हो कि दूर दूर तक इसे कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं, 96% ये वॉल क्लॉक में कैटर कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लो। वहीं बात करें तो आज सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं पूरे दुनिया का जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग वॉल क्लॉक का जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अजंता ग्रुप्स ही है। और आज इनके अजंता ग्रुप्स में तीन इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है टोटल, जिसमें कि अजंता लिमिटेड, अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड और तीसरा अजंता इंडिया लिमिटेड। वहीं बात करें अजंता ग्रुप के टोटल पोर्टफोलियो के बारे में तो आज इनका पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। सबसे पहला इनका तो क्लॉक वगैरह आता है जो कि सबसे बड़ा इनका मार्केट शेयर है। वहीं बात करें तो ये टेक्सटाइल के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, जो बच्चों के एजुकेशनल टॉयज आते हैं उसके ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर, और तो और फोन्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में भी काफी ज्यादा ये मार्केट शेयर इनका है आज। और काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी एंट्री मार रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी काफी ज्यादा भी डिमांड चल रहा है मार्केट के अंदर, तो ये उसमें भी एंट्री मार रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इंसाइटफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो इसको पूरी आग की तरह शेयर करो और सबके साथ शेयर करो, अक्रॉस द इंडिया शेयर करो, क्योंकि सभी लोग जो है अजंता का क्वार्टर क्लॉक यूज किए ही होंगे और कर रहे होंगे, ताकि उनको भी पता चल सके भैया इनकी हिस्ट्री और इनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। और अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया है तो इसको लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो या कभी भी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह की पावरफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आज तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट में जो फीडबैक करना जरूर देना, उसको देना बिल्कुल नहीं भूलना। और फ्यूचर आपको किस तरह की और वीडियोस देखनी पसंद है उसको भी कमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।